राजधानी रायपुर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन और केबलिंग कार्य के चलते शहर की कई सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद जिम्मेदार सड़कों की मरम्मत करना ही भूल गए। खराब सड़कों की वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने। दिख रहा है ये नज़ारा ना ही किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सड़क का है और ना ही किसी आईडी ब्लास्ट की जगह के स्पॉट का है, बल्कि ये सड़क है राजधानी रायपुर के मुख्य सड़क मार्ग की। शहर के बीचों बीच की सड़क के हालात जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गड्ढों के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है सड़क पर, ना ही गाड़ी ठीक से चल पा रही है, ना ही जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो इस सड़क पर चल सकते हैं। ये सड़क है राजधानी रायपुर के मालवीय रोड इलाके की, जो कि काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है। बीच बाजार की सड़क का बुरा हाल हो रखा है। दरअसल यहाँ पर कोई ब्लास्ट के लिए सड़क को खोदा नहीं गया था, बल्कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम करने के लिए इस पूरी सड़क को खोदा गया था, लेकिन सड़क पर गड्ढे खुलेआम इसी प्रकार से छोड़ दिए गए हैं। अधिकारियों ने काम किया, यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में केबल भी जो है वो लगाए गए हैं, केबल निकाले गए, लेकिन सड़क को बनाने के जब बात आती है तो अधिकारी सड़क बनाना ही यहाँ पर भूल गए। मामले में कलेक्टर भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने भी सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक सड़क जो है वो बन नहीं पाई है और जो जहाँ से राहगीर हैं वे लगातार परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में राजधानी के बीच शहर में सड़क का ये हाल है तो पूरे शहर में सड़कों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।